नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। बीते गुरुवार गोविंदा भांजी आरती सिंह की शादी में पहुंचे। इस शादी में वे अपने बेटे यश के साथ पहुंचे थे। हालांकि उनकी पत्नी सुनीता फंक्शन में नहीं दिखाई दी। गोविंदा के इस एक्शन से अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्होंने भांजे कृष्णा के साथ अभी गिले शिकवे दूर कर लिए हैं। आरती की शादी से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इन वीडियो में देखा गया कि गोविंदा भांजी को आशीर्वाद देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पेपरोजी से बात भी की। गोविंदा के आने पर कृष्णा और उनकी पत्नी कश्मीरा ने भी खुशी जाहिर की। कृष्णा ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ आरती, और हम सबके लिए आज बहुत खुशी का दिन है। मामा को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। ये हमारे दिल की बात है, हमारा एक इमोशनल कनेक्ट है। गोविंदा के आने पर कश्मीरा ने भी खुशी जताई। उन्होंने कहा, मैंने उनके पैर भी छुए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उन्होंने मेरे दोनों बच्चों को भी आशीर्वाद दिया, जिससे मैं और ज़्यादा खुश हूँ। कुछ समय पहले जब आरती सिंह की शादी की खबर मीडिया के सामने आई थी, तब एक इंटरव्यू में कृष्णा से पूछा गया था कि क्या वो आरती की शादी में गोविंदा को इनवाइट करेंगे। इस पर उन्होंने कहा था, अरे सबसे पहले इनविटेशन उन्हीं को जाएगा, वो मेरे मामा हैं। हमारे बीच कुछ कड़वाहट है, लेकिन वो अलग मुद्दा है, मगर शादी का पहला कार्ड उन्हीं को जाएगा। वो जरूर इस शादी में शामिल होंगे। दोनों के बीच पिछले कई सालों से मनमुटाव चल रहा था। कई बार दोनों ने सुलह भी की। कृष्णा और गोविंदा के बीच तनाव कृष्णा के ही एक बयान से शुरू हुआ था। 2016 में उन्होंने रियलिटी शो के एक एपिसोड में कहा था कि मैंने गोविंदा को अपना मामा बना कर रखा है। उनकी ये बात गोविंदा को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इस पर गोविंदा ने कहा कि पैसों के लिए टेलीविजन पर किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। गोविंदा के इस बयान पर कृष्णा ने कहा था कि ये बातें उन्होंने बुरी भावना के साथ नहीं की थी। दोनों के बीच चीजें और खराब हो गई थी जब 2018 में कृष्णा की वाइफ कश्मीरा शाह ने ट्वीट किया था कि कुछ लोग पैसों के लिए नाचते हैं। इस ट्वीट पर सुनीता आहूजा ने कहा था कि ट्वीट गोविंदा के खिलाफ किया गया है। इसके बाद गोविंदा और सुनीता ने कृष्णा और कश्मीरा से सभी संबंध खत्म कर लिए। 2019 में जब गोविंदा, सुनीता और उनकी बेटी टीना कपिल शर्मा के शो पर आए थे, तब भी कृष्णा शो में नहीं आए थे, क्योंकि सुनीता उनके साथ स्टेज शेयर नहीं करना चाहती थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।